फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और मूली का अचार, और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी हम मिक्स करेंगे। उसके लिए ये मैंने चार पांच गाजरें काट के ले ली हैं लंबी लंबी साइज में, ये देखिए। और ये मैंने मूली काटी है, इसको भी मैंने लंबी साइज में काटा है। और एक मैंने नींबू लिया है इसमें डालने के लिए, आप सिरका भी डाल सकते हैं, उसके जगह नींबू भी डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च है, ये भी मैंने लंबी काट के ली हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये आधा कप राई, कुछ मिर्च है और हल्दी है, नमक है, और ये मैंने ली है सौंफ। सौंफ से अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। और मैंने ये तेल है जो कढ़ाई में पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। अभी हम ये एक बाउल लेंगे और बाउल में ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल लेंगे। ये मैंने गाजर डाल दी है, ये मैंने मूली भी इसमें डाल दूंगी, हरी मिर्च जो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे करके मिक्स कर लिया। अभी हमने जो राई ली थी वो इसमें हम क्वांटिटी के हिसाब से डाल देंगे, जितना अचार है उतनी हम, ये मेरा जो अचार है इसमें मैं 2.5 टीस्पून इसमें राई डालूंगी। फिर मैं इसमें ये जो नमक है वो 1 टीस्पून डाल दूंगी। सौंफ तो है, ये भी मैं 1 टीस्पून डाल दूंगी। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल देंगे, और कम चाहिए तो आप इसमें कम डाल दें। ये हल्दी है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। अभी मैंने जो नींबू लिया था वो इसमें मैं निचोड़ दूंगी। अभी हमको इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, और मिक्स में इसको हाथ से ही करूंगी ताकि ये जो मसाला है वो सारा इनमें अच्छे से लग जाए। तो मैं इसको हाथ से ही अच्छे से सब सारी इसको वेजिटेबल को मिक्स कर लूँगी। इसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं, वो मैंने नहीं डाली है। अभी हम इसको मिक्स किए हुए सारे इसको वेजिटेबल को हम इस कढ़ाई में, जिसमें मैंने पहले से ऑयल गरम करके रखा हुआ है, ये थोड़ा ठंडा हो गया, तब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये मैंने सारी सब्जी और मसाला डाल दिया है जो तेल गरम करके ठंडा किया हुआ था उसमें, और हम इसको धीरे धीरे से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि वो जो ऑयल था हमारा वो सारी वेजिटेबल पे अच्छे से लग जाए। अच्छे से लग जाएगा तो ये अचार है वो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको हम 2-3 दिन तक धूप में रखेंगे, और ये 4-5 दिन में खाने के लायक हो जाएगा। इसको आप 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं खाने के लिए। अगर आपको मेरा ये अचार की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।